मेरा नाम प्रकाश धोका, मेरी उम्र 70 इयर्स एंड आई एम क्वालिफाइड मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम CUEP पुणे। सोशल वर्क की परिभाषा अगर की जाए तो आपका कोई कर्म, आपका कोई कार्य जिससे अगले व्यक्ति को, कोई संस्था को, कोई परिवार को, कोई समाज को कुछ फायदा हुआ, उनमें कुछ बढ़ोतरी हुई, उनको कुछ अच्छा लगा, इसको समाज सेवा कहा जाता है। अगर आपने जब मैंने सवाल पूछा कि अल्जाइमर के बारे में, तो मित्रों आज तक हमारे करुणालय में करीब 405 लोगों को हमने एडमिट किया है, उसमें से 80% पीपल आर ऐसे अल्जाइमर का हो या तो कहो कि उनकी याददाश्त खो चुकी थी, रास्ते में पड़े हुए थे, किसी का फ़ोन आया कि भाई इसको ले जाइए, हम हमारे यहाँ लेके आए। एक किस्सा, बहुत अच्छा किस्सा है, एक व्यक्ति हमारे यहाँ आए, 4 दिनों में उनकी याददाश्त वापस आ गई। जब उनको पूछा तो उन्होंने बताया, अरे मैं यहाँ आया कैसे, मेरा बंगला है, गाड़ी है, मेरा बेटा इंजीनियर है, मेरी बहू डॉक्टर है, और तो फैक्ट, और वो मंचर के ही थे, पूना से करीब नज़ीक। जब उनके घर गए उनको लेकर, तो घर में 4 दिनों से खाना नहीं बना था, सब रो रहे थे कि बाबा किधर गए, बाबा किधर गए। जब उनको घर में उनको पहुँचाया गया, परिवार इतना खुश हुआ, पूरा गाँव जमा हो गया। एक किस्सा और बताता हूँ, एक यंग लड़का हमारे पास 5 साल से था, बहुत सुंदर लड़का, और अचानक आफ्टर 5 ईयर्स उसने बोला कि मैं तो हरियाणा का हूँ, उसने गांव का भी नाम ले लिया, और बताने में बड़ी खुशी होती है, आज पुलिस बहुत बड़े बहुत अच्छा काम कर रही है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। हमने इंटरनेट पर उस लड़के का डिटेल हरियाणा में भेजा, विद इन 1 डे वी गॉट कॉल फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पुलिस कि हमारा बच्चा है, और 2nd डे फ्लाइट से 4 लोग लेने आए। जब हमने उसको पूछा कि ये क्या हुआ था, तो बड़ी दुखद घटना हुई थी बच्चे के साथ में, उस बच्चे को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला था, और रैगिंग में उसको शॉक दिया गया था, बिकॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट हिज मेमोरी, और पूना कैसे पहुंचा हमको भी मालूम नहीं, लेकिन वो घर से करीब 11 साल बाहर था, 5 साल हमारे पास था। तो ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं कि परिवार, वो आदमी कुछ नशा करता है तो परिवार वाले उसको भेज देते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं कि बीमार होता है, परिवार संभाल नहीं सकता, वो रास्ते से निकल जाते हैं, ऐसे बहुत से केस आते हैं। कुछ बात की जाए तो हमारी स्कूल है सेवादा मतिवंद विद्यालय, जहाँ हम 40 बच्चों का निवासी विद्यालय है, हम मतिवंद बच्चों को रखते, और ये बच्चे जो है हमारे पास, वो बच्चे माँ बाप को नहीं चाहिए, ऐसे बच्चे गरीब घरों के बच्चे, माँ बाप काम पे जाते हैं और बच्चा घर में तूफान करता है, या तो एक पेरेंट्स को घर में रहना पड़ता है उसके लिए, ये बच्चे हमारे पास है, और कहने में बड़ा खुशी होती है मुझको कि बच्चा जब हमारे यहाँ से बाहर निकलता है, ही बिकेम असेट फॉर द फैमिली हु इज़ लाइबिलिटी टूडे, वो अपने पेरेंट्स के लिए असेट बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा, भगवान ने आपको तन मन धन सब दिया है, आप उससे कुछ तो दो, कुछ तो दो, ताकि आप हल्के बनो और दूसरे का कुछ फायदा हो जाए। और मेरी बात विश्वास रखो, आप जितना दोगे उससे कितने गुना भगवान हमेशा देगा। गरीबों की सुनो और भगवान तुम्हारी सुनता है, आप 1 दोगे और वो 10 लाख देगा, ये बात एकदम सही है, मेरे में तो बड़ी सही उतरी है। अपने हैप्पी एजिंग की जो बात करते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छे मित्रों के साथ रहो जो हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपके साथ नेगेटिव बात करता है उससे दूर हो जाओ, हंसते रहो और हंसाते रहो, दूसरे को खुशी बांटते जाओ तो आप खुश रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और एक बहुत महत्व की बात, चैतन्य हास्य योग परिवार से जुड़ जाओ तो आपकी ज़िंदगी में गारंटी बोलता हूँ कि कभी दुख नहीं आएगा, आपकी तबीयत हमेशा अच्छी रहेगी और हमेशा आप खुश रहोगे।